स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल. सो गाइज, इन दिस इंग्लिश क्लास आई एम टेलिंग टू यू अबाउट द हाउ वी यूज इन, ऑन, अंडर. ओके गाइज, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. यूज ऑफ दिस स्लाइड, वी नीड टू मोर अंडरस्टैंडिंग of in, on, under. Look at the pictures, read the sentences. You see here a sun. The sun saw a bird in the nest, means in. Kya in means kya hota hai? Andar, kisi bhi cheez ke andar. On means upar aur under means kisi ke niche. Okay beta, to so first of all our first sentence is the sun saw. Saw means dekhna aur sun means surya. A bird, एक पक्षी, in the nest. और nest means होता है घोंसला. Sun ने क्या देखा? एक bird है, एक पक्षी है, किसमें है? घोंसले के अंदर. Means किसी चीज़ के अंदर. अगर अंदर कोई बात आती है तो वो क्या होता है? In आता है. हम किसी भी चीज़ के अंदर entry करते हैं तो in आता है. Okay? ये देखिए, यहाँ पर आपको sun नज़र आ रहा है. एक tree है, tree पर एक nest है. नेस्ट मीन्स घोंसला, और घोंसले के अंदर बैठा हुआ है एक बर्ड. ओके, सो द सन सो अ बर्ड इन द नेस्ट. ओके, नाउ सेकेंड वन इज, यू सी देयर इज अ हाउस ऑन द रूफ. रूफ मीन्स छत. छत पर आपको क्या नजर आ रही है? एक कैट. ओके, किसके ऊपर है वो? छत के ऊपर. अब क्या होता है, सन क्या देखता है यहाँ पे? कि इस घर के ऊपर छत पर एक कैट बैठी हुई है. ओके, द सन सॉ अ कैट ऑन द रूफ. कहाँ पर है? ऑन द रूफ, रूफ के ऊपर बैठी हुई है. ओके, तो ऊपर के लिए क्या यूज करेंगे हम? ऑन. नेक्स्ट विल बी द सन सॉ एन इंसेक्ट. सन ने क्या देखा? सूर्य ने क्या देखा? एक इंसेक्ट. इंसेक्ट मीन्स होता है कीड़ा. अंडर, कहाँ पर है वो? अंडर द रॉक, मीन्स चट्टान के नीचे है. ये देखिए, आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा है, यहाँ पर सन क्या देखते हैं? कि रॉक के नीचे ये इंसेक्ट है. नीचे मीन्स क्या आता है? अंडर यूज होगा. जहाँ भी किसी चीज के नीचे होगा तो अंडर आएगा. किसी चीज के अंदर होगा मींस उसमें, तो वहां पर क्या आएगा? इन. और किसी के ऊपर होता है तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम? ऑन. ओके, द वर्ड इन, ऑन एंड अंडर टेल अस द पोजीशन ऑफ पीपल. इन, ऑन और अंडर हमें क्या बताते हैं? किसी व्यक्ति की पोजीशन, या किसी एनिमल एंड थिंग्स की, चीजों की पोजीशन बताते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड, तो उनको क्या बोलते हैं? प्लेस वर्ड्स और पोजिशन वर्ड्स. या तो हम उनको क्या बोलेंगे? प्लेस वर्ड, कि उनका प्लेस डिनोट करते हैं वो, या हम उनकी पोजिशन शो करेंगे. ओके बेटा, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. Choose the correct preposition to complete the sentences. अब आपने सर बंद करो एक बार. Choose the correct preposition to complete the sentences. अब आपने correct preposition means in, on, under का use करना है और इन sentences को complete करना है. जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, इन होता है किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है. ऑन मीन्स ऊपर और अंडर मीन्स उसके नीचे. ओके, तो देखिए, द एग इज डैश द नेस्ट, मीन्स एग कहाँ पर है? घोंसले के अंदर, नेस्ट के अंदर. तो हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे? इन. द एग इज इन द नेस्ट. ओके, सेकेंड वन इज, यू सी हेयर अ गर्ल इज अंडर द ट्री, इस ट्री के नीचे है. सो द गर्ल इज डैश द ट्री, मीन्स आपने इन तीन वर्ड्स में से जो करेक्ट सूटेबल प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, अंडर,
वो आपने यहाँ पर फिल करनी है। तो गर्ल कहाँ पर है? इस ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? अंडर। द गर्ल इज अंडर द ट्री। सेकेंड वन इज नेक्स्ट, द जग इज डैश द टेबल। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जग है वो एक मिनट, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब आपने इन सेंटेंस को फिल करना है किस चीज से? ये जो करेक्ट प्रीपोजिशंस दी हुई हैं, मींस इन आएगा, अंडर, ऑन, क्या है सूटेबल यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने इनमें फिल करना है। मैंने बताया था किसी चीज़ के अंदर वही चीज़ होती है, अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो वो क्या होती है? इन। अगर ऊपर है तो हम ऑन यूज़ करेंगे और नीचे है तो हम अंडर यूज़ करेंगे। ओके बेटा, सो देखिए आपको दिखाई दे रहा है इस नेस्ट के अंदर आपको दो एग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला। द एग इज डैश द नेस्ट। तो जो एग्स हैं वो हमारे कहाँ पर है? नेस्ट के अंदर। सो आप यहाँ पर क्या फील करेंगे? इन द एग इज इन द नेस्ट। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। ये देखिए अब आपको गर्ल नजर आ रही है, कहाँ पर है वो? इस ट्री के नीचे। ओके, तो द गर्ल इज डैश द ट्री। नीचे के लिए मैंने आपको बताया था क्या यूज होगा? अंडर। यस, सो वी राइट हेयर अंडर। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट वन। अब देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ पे टेबल है और एक जग है, तो आपको जग की पोजीशन दिखाई दे रही होगी कि जग आपका टेबल के ऊपर है या नीचे। तो देखिए आपको जग आपको टेबल के ऊपर नजर आ रहा है, और तो ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। आ जग इज डैश द टेबल, मीन्स हम यहाँ क्या फील करेंगे? ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द डैश इज अ बियर इज डैश द जंगल। अब जो ये बियर है, बियर मीन्स क्या होता है? भालू, और जंगल मीन्स जंगल। तो आपको बियर कहाँ नजर आ रहा है? जंगल के अंदर। अ बियर इज इन द जंगल। व्हाट इज द करेक्ट सूटेबल वर्ड? इन। नाउ नेक्स्ट वन इज मैन इज डैश, मैन इज सिटिंग डैश अ ट्री। मैन कहाँ पर है? पेड़ के नीचे। मैन कहाँ है? पेड़ के नीचे। तो हम क्या लिखेंगे? मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री। ओके, नाउ लास्ट इज आपको क्या नजर आ रहा है बेटे? लॉक, और लॉक में क्या है? कीज है, लॉक के अंदर है। आ की इज डैश अ लॉक, मीन्स की कहाँ पर है? लॉक के अंदर। तो के अंदर के लिए मैंने आपको क्या बताया था? इन। सो वी राइट हेयर इन। आ की इज इन अ लॉक। ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इस स्लाइड में आपको क्या दिया हुआ है? एक पिक्चर दी हुई है और कुछ चीज़ों की पोजीशन दी हुई है, तो उनके थ्रू आपने ये फिलअप्स उनको देखना है और आपने इन फिलअप्स को उनकी करेक्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग फिल करना है। अब देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टेबल चेयर नज़र आ रही हैं, यहाँ पर एक गर्ल चेयर के ऊपर बैठी हुई है, और कैट है वो कहाँ पर है? टेबल के नीचे। देन बॉल इज, वेस, प्लेट एंड फ्रूट्स। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस। द गर्ल इज सिटिंग डैश द चेयर। सो गर्ल कहाँ पर बैठी हुई है? चेयर के ऊपर। सो क्या राइट करेंगे? द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। ओके, नाउ सेकेंड, द बॉल इज डैश द टेबल। अब देखिए बॉल आपको कहाँ पे नजर आ रही है? टेबल के नीचे। तो नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडर, U N D E R, ओके,
नेक्स्ट देखिए बेटा, द फ्रूट्स आर डैश द बाउल। अब ये आपको बाउल नजर आ रही है, बाउल में क्या रखा है? बहुत सारे फ्रूट्स जो कि बाउल के अंदर हैं। तो अंदर के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन। द फ्रूट्स आर इन द बाउल। ओके, फोर्थ इज द फ्लावर्स आर डैश द वेस। अब देखिए ये फ्लावर है, ये इसमें क्या है? पोट के, वेस के अंदर है। तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे? इन। ओके, किटी इज द कैट इज डैश द टेबल। किटी किसका नेम है? कैट का नेम है। और वो कैट कहाँ पर है? टेबल के नीचे। मीन्स वी आर पुट हेयर अंडर द किटी, द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, नाउ लास्ट इज द प्लेट इज डैश द टेबल। अब देखिए आपको पिक्चर में प्लेट नजर आ रही है, कहाँ पर है वो? टेबल के ऊपर। तो ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑन। ओके, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। वी रिवाइज दिस अगेन, द गर्ल इज सिटिंग ऑन द चेयर। द बॉल इज अंडर द टेबल। द फ्रूट्स आर इन द बाउल। द फ्लावर्स आर इन द वेस। किटी द कैट इज कहाँ पर है? नीचे, मीन्स अंडर द टेबल। द प्लेट इज डैश द टेबल। प्लेट कहाँ पर है आपके? टेबल के ऊपर, मीन्स ऑन द टेबल। ओके गाइज, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस। सो मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।